इफ वी आर गोइंग टू ऐड टू डिजिट नंबर्स, ओके, मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना है टू डिजिट नंबर का, तो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक अबव वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस नंबर, जस्ट 23 वी विल ब्रेक इनटू 20 एंड 3, एंड 12 वी विल ब्रेक इनटू 10 एंड 2, ओके, इस तरीके से हमें उनको ब्रेक करना है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, ये 10 से 20 को मल्टीप्लाई करना है, इस 10 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, ओके, जस्ट लाइक 10 मल्टीप्लाई 20, 10 मल्टीप्लाई 3, और ये कंप्लीट होने के बाद इस 2 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, ओके, लेट्स हियर बी ऑल द थिंग्स, ओके, सो 10 मल्टीप्लाई 20, सो दो वी गेट द आंसर 200, देन मल्टीप्लाई विथ 3 वी गेट द आंसर 30, उसके बाद ये जो 2 है हमारा, इससे भी मल्टीप्लाई करना है 20 से, 20 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 और 40 एंड 6, तो बाद में हमें ये सारे जो आंसर्स हैं 200, 30, 40, 6, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, इस तरीके से ऐड करके जो लास्ट में जो टोटल आएगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट, वो होगा हमारा आंसर, 23 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 276, ओके, जस्ट लाइक दिस यू कैन इजीली कंप्लीट टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन, ओके, टू डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। लेट्स ट्राई विथ दिस 43 मल्टीप्लाई 13, 43 मल्टीप्लाई 13, सो नाउ हियर ऑल्सो वी कैन ब्रेक नंबर 43 इंटू 40 एंड 3। देखो हम इसको 40 में क्यों इसको ब्रेक कर रहे हैं, 40 ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो टेंस जो होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान होता है, ठीक है, 10 का टेबल जो होता है सबको आता है, ये जो नंबर्स होते हैं जैसे 40, 50, 60, इनको मल्टीप्लिकेशन करना हमें आसान होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं इनको टेंस अलग करते हैं और वंस अलग करते हैं, तो 43 में से हमने 40 अलग कर दिया और 3 अलग कर दिया, जस्ट लाइक हियर 13 में हमने क्या किया है 10 एंड 3 अलग अलग, सो 40 मल्टीप्लाई 10 देन 3 मल्टीप्लाई 10, जो आंसर आएगा हमें यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद आवाज कम आ रही है क्या सभी लोगों को, नो सर, बराबर आ रही है ना सबको आवाज, यस सर, ओके ओके ठीक है, सो ये जो 3 है 3 को भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो हमारे जितने भी आंसर्स आए 430, 129, इनको ऐड करके लास्ट में हमें फाइनल आंसर निकालना है, सो 43 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 559, ओके, नाउ लेट्स डू दीज एग्जाम्पल्स, चलो अभी कुछ एग्जाम्पल्स इनको हमें सॉल्व करना है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 25 मल्टीप्लाई 56, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमें बॉक्स मेथड से सॉल्व करना है, 25 मल्टीप्लाई बाय 36, ओके, तो हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, सभी लोगों का ध्यान स्क्रीन पर होगा,
सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे, इधर बिल्कुल देखेंगे। 23 मल्टीप्लाई 46, ओके 23 मल्टीप्लाई बाय 46, ये हमारा है। ठीक है, ये एग्जांपल हमें सॉल्व करना। सो सबसे पहले 23 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? हाउ कैन वी ब्रेक 23? जस्ट कमेंट योर आंसर। गुड मॉर्निंग सर। हाउ यू विल ब्रेक द नंबर 23? हाउ यू विल ब्रेक द नंबर 23? 20 ओके, वेरी गुड। सो यू विल ब्रेक दिस नंबर एज 20 एंड 3। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 46। हाउ यू विल ब्रेक द नंबर 46? ओके, वेरी गुड। 40 and 6. सो वी विल ब्रेक इट एज 40 and 6। ओके, सो ओके, सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, थोड़ा सा कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन होगा तो उनके लिए, कि जिस डिजिट के लास्ट में जीरो होते हैं, जैसे यहाँ पर हम करेंगे 20 मल्टीप्लाई 40। ओके, इस तरीके से अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। जितने जीरोज हैं, जितने 0 मल्टीप्लाई करो सर, जितने जीरोज है, जैसे यहाँ पर कितने जीरो है, 1 and 2, ये एक और ये दो। ओके, 2 जीरोज भी है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, इधर 2 जीरोज लिख लेने हैं। ओके, देन टू जीरोज लिखने के बाद 4 टू जा व्हाट विल बी द आंसर? 4 टू जा 8, तो वो 4 टू द 8 यहाँ पर लिख लेना। सो यू कैन इजीली गेट द आंसर 800। तो आपको तुरंत आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट में जीरो है तो डायरेक्ट मेथड आप ये यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। 30 मल्टीप्लाई 60। ओके, व्हाट विल बी द आंसर? 30 मल्टीप्लाई 60। वेरी गुड अर्षदा। ओके, यहाँ पर भी हमें सेम करना है। कितने जीरो है यहाँ पर? 1 2, 2 जीरो आर देयर, देन 800, 2 जीरो, देन वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर्स, सो 6 3 18। ओके, सो विद इन 1 मिनट वी गेट द आंसर। ओके, अगर आप ऐसा इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे 30 का टेबल 60 का टेबल, तो उससे आपको जल्दी आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन इस ट्रिक से आपको जल्द से जल्द आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरफ जीरोस होने चाहिए। ठीक है, सेम थिंग, अगर समझो, अगर यहाँ पर एक नंबर है 20 20 मल्टीप्लाई 5,
ओके सो व्हाट विल बी द आंसर? हंड्रेड टेन सम आर सेइंग 10, सम आर सेइंग 100. नाउ लेट्स सी. देखो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 500. देखो किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है जीरो. जीरो ठीक है, वो कितना भी बड़ा नंबर हो, 100 मल्टीप्लाई 0, 200 मल्टीप्लाई 0 या 1000 मल्टीप्लाई 0, उसका आंसर आएगा जीरो ही. तो 500 एंड 5 2 10, सो वी गेट द आंसर 100. ओके सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ लेट्स सॉल्व अवर एग्जांपल नाउ. ओके सो फर्स्ट थिंग, वी विल मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स, 20 मल्टीप्लाई 40. सो यू कैन राइट हियर 20 मल्टीप्लाई बाय 40. देन द सेम थिंग विद दिस नंबर 3. सो 3 मल्टीप्लाई 40. देन द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू विद दिस नंबर 6. ओके 20 मल्टीप्लाई 6. एंड 3 मल्टीप्लाई 6. देखो जिन लोगों को ये समझ में आ गया कि इसको कैसे लिखना है, उन लोगों के लिए ये 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एडिशन सबको आता है. ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन अगर आपको ये बॉक्स में ऐसा लिखते आ गया और आपने उसको प्रॉपरली सॉल्व करके प्रॉपर आंसर कर लिया, तो आपको इनके आंसर आसानी से लिखते आएंगे. ओके सो 20 मल्टीप्लाई 40, इसका आंसर क्या है? दिस वन 800. ओके देन हंड्रेड 3 मल्टीप्लाई 40, दिस ट्वेंटी 40 120. ट्वेंटी देन 20 मल्टीप्लाई 6, दिस ऑल्सो 120. जिन लोगों ने 126 आंसर दिया है, उन लोगों का आंसर रॉन्ग है. 600 ही होता है. जिन लोगों ने 126 आंसर दिया है, उनका ध्यान नहीं था शायद. ओके जीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जीरो ही आता है. एंड द लास्ट वन 3 मल्टीप्लाई 6. यस 3 6 18. ओके नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड ऑल दीज नंबर्स. ओके दिस 800, दिस 20, दिस 120, दिस 4 नंबर्स यू विल ऐड. ओके सो लेट्स ऐड दीज नंबर्स. कबीर डोंट सेंड एनोटेशन रिक्वेस्ट. ओके सो लेट्स ऐड, फर्स्ट नंबर इज 800, देन सेकेंड 120, थर्ड ऑल्सो 120,
एंड एट द लास्ट 18। ओके, इनको प्रॉपर लिखना है, वंस की जगह वंस, टेंस की जगह पर टेंस और हंड्रेड्स की जगह पर हंड्रेड, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो लेट्स ऐड। 1058, 1058. ओके, सो लास्ट 0 0 0 एंड 8, तो लास्ट विल बी 8। देन 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, एंड 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10। सो द आंसर इज 1058। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू मल्टीप्लाई टू डिजिट नंबर। ये अभी सबको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी हियर, तो आपको ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर, ये 42, 23, इन सबको आपको क्या करना है, बॉक्स मेथड का यूज करके ही इनको सॉल्व करना, जैसे अभी हमने किया ना, उसी तरह से बॉक्स ड्रॉ करके, फिर उसके बाद ये दिख रहा है, इस तरीके के बॉक्स आपको ड्रॉ करना है और वो नंबर्स लिख कर फिर उनके आंसर्स लिखना है और साइड में फिर उनको ऐड करके फाइनल आंसर आपको निकालना है। ठीक है, देन मल्टीप्लीकेशन पैटर्न। नाउ हियर वी हैव सम पैटर्न, आपको यहाँ पर क्या करना है, 9 का टेबल कंप्लीट करना है। देन हियर यू कैन सी 1 प्लस 8 9, देन 2 प्लस 7 9, ये जो नंबर्स है इनको ऐड करने के बाद उसकी टोटल 9 आ रही है। दिस पैटर्न वी कैन सी जस्ट लाइक हियर, 9 सिक्स, व्हाट विल बी द आंसर, 9 सिक्स। फिफ्टी 54। ओके, सो 9 सिक्स 54। सो दिस टू नंबर्स 5 एंड 4 वी विल राइट हियर, 5 प्लस 4, देन वी गेट द आंसर 5 प्लस 4 9। ओके, सो लाइक दिस यू विल कंप्लीट दिस ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। देन हियर ऑल्सो कंप्लीट द ग्रिड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर, दिस ग्रिड ऑल्सो यू विल कंप्लीट। ओके, जैसे ये 2 वन ज़ा 2, देन 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, इस तरीके से ये टेबल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये 4 का टेबल पूरा लिखना है, देन 5 का टेबल, ऐसा ये पूरा कंप्लीट आपको इसको करना। लुक एट द क्रॉस इन योर ग्रिड। ओके, इफ यू ऐड दिस नंबर्स 3 प्लस 6 प्लस 9, देन वी गेट द आंसर 18, देन 4 प्लस 6 प्लस 8 वी गेट द आंसर 18। सो जस्ट लाइक दिस अदर सच क्रॉसेस एंड कॉपी देम इन योर नोटबुक। आपको भी इसी तरह से कुछ ऐसे क्रॉसेस बनाने हैं कि जिनके टोटल, अगर हम वर्टिकली उनका टोटल करें तो वो भी सेम आना चाहिए, और अगर हॉरिजेंटली अगर हम करते हैं तो वो भी उसका टोटल सेम आना चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ क्रॉस यू विल फाइंड। ओके, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये कंप्लीट करना है, ये पूरा ग्रिड कंप्लीट करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा। देन हियर फिल इन द स्पेस विथ योर फेवरेट मल्टीप्लीकेशन टेबल। यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दिया गया है, इसमें भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन टेबल, आपका फेवरेट जो भी मल्टीप्लीकेशन टेबल होगा उसको लिखना है, लेकिन 10 का टेबल कोई भी नहीं लिखेगा। ठीक है, 10 का टेबल सबका फेवरेट होता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी से लिख कर हो जाता है, इसलिए बहुत से लोग सिर्फ 10 का टेबल लिखेंगे।
वैसा नहीं करना है, बाकी दूसरे टेबल्स आपको लिखने हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर अवर लेसन, हाउ मेनी टाइम्स। चलो एक बार फिर से एक एग्जांपल हम करते हैं और उसके बाद फिर हम ये क्लास ओवर करेंगे। लेट्स हैव वन एग्जांपल विद टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन नंबर। जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो लोग दोबारा से ध्यान देंगे अच्छे से। सो सजेस्ट एनी टू डिजिट नंबर। चलो आप एग्जांपल भी आप ही लोग बताएंगे, आप में से कोई भी एक एग्जांपल बताएगा अभी। यू कैन टाइप योर एग्जांपल इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसका एग्जांपल लिया जाएगा। ओके, सो वी हैव टू नंबर्स। ओके ओके, वी गेट द नंबर 38 मल्टीप्लाई 25। ओके, दिस टू नंबर्स वी हैव 38 मल्टीप्लाई 25। ओके, चलो जल्दी जल्दी फटाफट अभी सभी लोग आंसर देंगे। 38, 38 को किस तरीके से ब्रेक करेंगे हम? हाउ वी विल ब्रेक द नंबर 38? 8। 38। सो लेट्स राइट हियर 38। ओके, देन नेक्स्ट नंबर, हाउ वी विल ब्रेक नंबर 25? यस, वेरी गुड। 20 and 5। ओके, सो द फर्स्ट व्हाट वी विल डू, विच नंबर्स वी विल मल्टीप्लाई फॉर दिस बॉक्स। ये जो फर्स्ट बॉक्स है, इस बॉक्स में कौन से नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे? विच नंबर वी विल मल्टीप्लाई दिस वन। ओके, 20 मल्टीप्लाई 30। इसको 20 मल्टीप्लाई 30 भी लिख सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई 20 भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही होगा। ओके, सो लेट स्टार्ट। 20 मल्टीप्लाई 30। ओके, देन फॉर दिस बॉक्स, दिस सेकेंड बॉक्स, फॉर दिस सेकेंड बॉक्स वी विल राइट 20 मल्टीप्लाई 8। सो लेट्स सॉल्व दिस। 20 मल्टीप्लाई 30, आंसर ऑलरेडी आपने कमेंट कर दिया है, 600। देन 20 मल्टीप्लाई 8, 20 मल्टीप्लाई 8, वॉट विल बी द आंसर फॉर 20 मल्टीप्लाई 8? 160। ओके, बाकी सभी लोग ध्यान देंगे, बहुत से लोग इधर उधर देखते रहते हैं, स्क्रीन पर ध्यान देंगे सभी लोग। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव 5। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दिस 5 विथ 30 एंड 8। 30 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर वी विल राइट 30 मल्टीप्लाई 5 एंड 8 मल्टीप्लाई 5। ओके, सो 30 मल्टीप्लाई 5
आंसर इज 150 एंड 8 × 5 8 5 40 ओके सो एट द लास्ट वी विल ऐड दीज नंबर्स 600 160 150 एंड 40 सो वी आर गोइंग टू ऐड दीज फोर नंबर्स 600 देन 160 देन 150 एंड एट द लास्ट 40 ओके सो 0 0 0 ऑल जीरो आर देयर तो आंसर विल बी 0 6 प्लस 5 11 11 प्लस 4 15 राइट हियर 5 1 कैरी 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 एंड 8 प्लस 1 9 सो वी गेट द आंसर 950 सो 38 मल्टीप्लाई 25 आंसर इज 950 सो जस्ट लाइक दिस यू विल सॉल्व ऑल दीज एग्जाम्पल्स ओके आपको क्या करना है ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं टेक्स्ट बुक के अंदर इन सभी को आपको सॉल्व करना है ठीक है ये जो एग्जाम्पल्स आपके दिए गए हैं यहाँ पर ये सभी एग्जाम्पल्स आपको आपके नोटबुक के अंदर बॉक्स निकाल निकाल कर मल्टीप्लिकेशन करके आपको सॉल्व करने ओके दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड दिस इज ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास